नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक कहावत है कि जो जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से वो वापस जाता है। सोशल मीडिया से सरकार आई थी और अब सोशल मीडिया से ही इस सरकार के पांव उखड़ने शुरू हो चुके हैं। मोदी सरकार को आज जबरदस्त झटका लगा है। बेरोजगारों ने, देश के बेरोजगारों ने आज अपनी ताकत दिखा दी और मोदी सरकार के चूल्हे हिला दिए। 6 मिलियन, ये ऑफिशियली डाटा है कि 6 मिलियन। उसके बाद में जो है, जिस तरह से ईवीएम में गड़बड़ी की गई, इसमें भी गड़बड़ी के जो है वो संकेत मिले हैं। आप ये देखिए, सुबह सुबह जो है 12:10 का स्क्रीनशॉट है जहां पर आपको दिख रहा है 6.4 मिलियन जो है वो ट्वीट हो चुके थे मोदी जॉब दो, हैशटैग मोदी जॉब दो। 12:10 पर जो है वो छात्रों ने इतने ट्वीट कर दिए थे। लेकिन उसके बाद में आप ये देखिए, 12:22 पर 3.97 गायब कर दिए ट्वीट जो है वो 3 मिलियन। आप बताइए कि 30 लाख ट्वीट जो है कि वो एकदम से डिलीट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप बताइए किस तरह से ईवीएम की तरह से यहां पर भी घोटाला हो गया है क्या? इस बड़ा सवाल है कि मोदी सरकार आखिरकार इतनी खलबलाई हुई है, इतनी बौखलाई हुई है कि छात्रों के ट्वीट जो है वो उसने बंद कर दिए। और उसके बाद में आते आते शाम को जो है 6:06 पर 18:06 यानी 6:06 पर जो है वो 3.61 मिलियन ट्वीट हैं। पूरी कोशिश करी सरकार ने, मीडिया ने इस मुद्दे को दबाने की, लेकिन ये मुद्दा दब नहीं पाया। और किस तरह से जो है ये मुद्दा अब सबसे ऊपर जो है वो चढ़ करके बोल रहा है और बड़ी संख्या में ट्वीट दिखा रहे हैं कि सरकार जो है वो अब किस तरह से बौखलाई हुई है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि ट्वीट हो गया तो क्या इसका असर हुआ? इसका असर भी हुआ है, सरकार घुटने पर भी आई है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि छात्रों को दबाने के लिए, उनको जेल में डालने तक का प्रयास जो है वो किया गया है। ये आप ट्वीट देखिए, रोजगार मांग रहे युवाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रयागराज के अंदर योगी आदित्यनाथ कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता वहां पर, क्या ऐसा राज्य है? यहां पर देखिए, रोजगार मांग रहे युवाओं को पुलिस ने भेजा जेल में, जेल में पुलिस ने डाल दिया जो रोजगार मांग रहे थे छात्र। वह पहले आप ये देखिए किस तरह से जेल में डाला है, और उसके बाद में शाम होते होते योगी आदित्यनाथ की सरकार घुटने पर आ गई, वो भी आपको दिखाएंगे। आशीष, सिपाही बाहर दे रही है, आप आगे हो जाना। आशीष, सब चलिए आराम से, आप किसी के साथ जाती नहीं कर सकते। आप आने दीजिए, जितना मारेंगे नहीं किसी को, लेकिन अगर आप गुंडागर्दी करेंगे अब जाओगे जेल जाओगे। कहीं आप जिस तरीके से पेश आ रहे हैं, निश्चित तौर से संविधान का योगी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने तमाम कोशिशें की छात्रों के इस आंदोलन को दबाने की, जेल में डालने तक का प्रयास हुआ। लेकिन सरकार को पता चल गया कि अब दबाए ये आंदोलन दबेगा नहीं, और इसीलिए सरकार ने पीछे हटते हुए 9500 से ज्यादा वैकेंसियां निकाली है यूपीएसआई की, और ये जो है वो 1 अप्रैल से इसके लिए आवेदन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप बताइए कि इतना जो है सरकार को समय क्यों लगा? लेकिन यह बात आप छात्रों को भी समझनी चाहिए, स्टूडेंट को भी समझनी चाहिए कि यह आंदोलन जो है वो अभी अपने मुकाम पर नहीं पहुंचा है। और जिनको अगर यह लगता हो कि सरकार ने वैकेंसी निकाल दी है और यह वैकेंसी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर ये छात्रों की मांग रही है कि वो 1-3 साल में होने वाली बीए जो है वो 5-5 साल में करते हैं, और वैकेंसी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर तो हाई कोर्ट में जाए बगैर रहते ही नहीं है। ये छात्रों ने कई बार हमें ग्राउंड रिपोर्ट में बताया है। लेकिन आप देखिए कि जो सरकार 2014 में ये नारा देती थी कि बहुत हुआ रोजगार का इंतजार, अब की बार मोदी सरकार आज उसी सरकार के दौर में जो है वो 6 मिलियन से ज्यादा, और ये आंकड़ा जो है जानकार लोग बता रहे हैं 2 करोड़ तक पहुंच गया है।
2 करोड़ लोगों ने जो है वो आज ट्वीट किया है। भले ही ट्विटर जो है, भले ही सरकार जो है वो कितना ही उसको दबाने की प्रयास करे, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने आज ट्वीट किया है। और लगातार दिन भर जो है हम छात्रों के बीच में थे और वहां पर छात्रों ने जिस बेबाकी के साथ में गुस्सा सरकार के प्रति दिखाया है वो अपने आप में जो है वो लाजवाब है। लेकिन देखिए कि रोजगार का भूत जो है वो सरकार के सिर पर सवार जरूर हो गया है, सरकार जो है वो पीछे जरूर हट रही है और कहीं ना कहीं रोजगार को उसको अपने मैनिफेस्टो के अंदर डालना पड़ रहा है। ये हालत हो गई है। जो सरकार ये सोचती थी कि हिंदू मुसलमान करके जीत जाएगी, उसी सरकार को जो है वो अपने मैनिफेस्टो के अंदर रोजगार को डालना पड़ रहा है। ये बंगाल की आप खबर देखिए, बंगाल अब रोजगार युक्त होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने बंगाल में जाकर के कहा कि बंगाल अब रोजगार युक्त होगा। लोग वैसे मजा ले रहे हैं कि जिस तरह से आपने पूरे देश को रोजगार मुक्त कर दिया है, बेरोजगारी फैल गई है देश में, ये सच्चाई है। लेकिन आप बंगाल के लोग अगर है, बंगाल के जो कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसको बिहार से सबक जरूर लेना चाहिए। बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहली कैबिनेट के अंदर 10 लाख रोजगार देंगे। उसका मजाक उड़ाया गया तेजस्वी यादव का, लेकिन जब बड़ा मुद्दा बन गया तो उसके बाद में बीजेपी ने, सुशील मोदी ने मैनिफेस्टो जारी किया था जिसमें निर्मला सीतारमन भी थी। निर्मला सीतारमन ने कहा था कि 20 लाख रोजगार हम देंगे, अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहा। और जिस किसी को अगर याद हो बिहार चुनाव, तो बिहार चुनाव में जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार की बात की थी, उस वक्त में सुशील मोदी ने कहा था कि 10 लाख रोजगार तो संभव ही नहीं है। उन्होंने वीडियो भी जारी किया था, लेकिन उन्हीं सुशील मोदी के हाथों से बाद में मैनिफेस्टो की लॉन्चिंग होती है और 20 लाख रोजगार की बीजेपी गारंटी देती है। लेकिन अब तक वहां पर रोजगार 20 लाख उसकी कोई शुरुआत नहीं हुई है, कोई नई भर्ती नहीं हुई है। अगर कहीं छुटपुट हुई हो तो उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन व्यापक स्तर पर 20 लाख रोजगार देने की दिशा में सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाए हैं। ये बिहार, बंगाल के लोगों को बिहार से सबक लेना चाहिए। और सीधे सीधे जो है मोदी सरकार के लिए करारा तमाचा है जिस तरह से आज कैंपेनिंग हुआ है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जो है वो इसमें हिस्सा लिया है। लेकिन सवाल यही है कि यह आंदोलन यहां पर रुकना नहीं चाहिए। अगर छात्रों को रोजगार चाहिए तो उनको अपनी आवाज उठानी होगी, तभी जो है वो छात्रों को उनका रोजगार मिल सकता है। और दूसरी बड़ी बात, आप ग्राउंड रिपोर्ट में भी देखेंगे, जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट रही है उसमें भी आप देखेंगे कि छात्र अब ये कह रहे हैं कि हां उनसे गलती हुई है, 2014 में 19 में लोगों ने गलतियां की हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट बांटा गया। लेकिन अब जो है लोग उब चुके हैं, पूरी तरह से मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा है, एक बगावत है। जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानी तो यही 2 करोड़ लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर जाएंगे और मोदी सरकार के लिए एक ऐसा सैलाब होगा जो इस सरकार को बहा ले जाएगा, सरकार के बूते से बाहर की चीज हो जाएगी। अब ये सैलाब जो है, जिस तरह से आक्रोश है सरकार के खिलाफ, अगर सरकार ने निश्चित तौर पर रोजगार की दिशा में अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जुमलेबाजी से बात नहीं होगी, ठोस कदम अगर नहीं उठाया तो यह निश्चित है छात्रों का सैलाब सड़कों पर उतरेगा। और छात्रों का सैलाब जब सड़कों पर उतरेगा तो उसको संभालना सरकार के बूते से बाहर की चीज होगी। जिस तरह से आज छात्रों ने अपनी छात्र शक्ति दिखाई है, राष्ट्र शक्ति उनको सरकार को समझा दी है, इसको लेकर के आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।